वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों हुए बंपर बहाली को लेकर क्रेडिट लिया और कहा कि जो कहते थे कि नहीं हो सकता है वो हमने करके दिखाया। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि सात निश्चय योजना के तहत वे लोग काम कर रहे थे। पहले फेज में एनडीए सरकार ने सात निश्चय पर काफी काम किया, वहीं दूसरे फेज में जोर शोर से काम हो रहा था। आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, असंभव है। क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं, इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम। 2020 में जब हमने सात निश्चय दो तय किया, इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो सात निश्चय दो का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे, हर बार रोकते थे और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए।